नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं प्रदूषण को लेके चली हुई बहुत सारे मुहिम्स की। इसमें से एक और सबसे प्रचलित जो आज भी चल रही है वो है ई बाइक। ई बाइक क्या है? ये एक तरह की साइकिल होती है जिसमें मोटर लगी होती है। मोटर लगे होने के कारण इसमें पैंडल मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ती और साथ ही इसको चलाने के लिए आपको लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। युवा इस मुहिम में सबसे ज्यादा जुड़े हैं और उन्होंने ना केवल इसको बहुत ही अच्छे से अपनाया है बल्कि इसके साथ जुड़कर उन्होंने कई जगहों पर उसे लेकर भी गए हैं। साथ ही इसका एक नुकसान भी होता नजर आ रहा है कि शाम के समय रात में भीड़भाड़ वाले इलाकों में इन्हीं ई रिक्शाओं पर बहुत ही तेज स्पीड में लोगों ने इसे चलते हुए देखा है। इससे कई जगह पर लोगों ने कंप्लेंट्स भी करी हैं कि इस तरह की ई बाइक्स का इतनी स्पीड में चलना सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि इसे चलाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है तो कोई भी उम्र के युवा इसे चला सकते हैं। साथ ही इसे चलाने से आपका जो प्रदूषण लेवल है वो भी कम हो रहा है तो लोग इसे बहुत ज्यादा अपना भी रहे हैं। ये बाइक खासतौर नई दिल्ली प्रगति मैदान जैसे इलाकों में उपलब्ध कराई गई है। ये जानकारी दे दें कि DMRC ने अपनी मेट्रो रैली के पास यूली के साथ साझेदारी करके इन्हें उस स्टेशन पे लगवाया है। हाल ही में इन्होंने ई रिक्शा ई बाइक्स की संख्या 250 तक बताई है और साल के खत्म होने पर इनकी संख्या 5000 तक करने का टारगेट इन्होंने बनाया है। साथ ही 2020 में इन बाइक्स को कम से कम 25000 करने का टारगेट भी लेके चल रहे हैं। इस तरह के ई बाइक से काफी फायदा हो रहा है लेकिन इसे रात में स्पीड में चलाने से कई लोगों की कंप्लेंट्स भी आई है जिसमें से ये मुख्य है कि लोगों ने इसको चलते हुए भी देखा है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ये बाइक आपको किसी भी नई दिल्ली या प्रगति मैदान जैसे बड़े इलाकों में इजिली मिल सकती है। इस ई बाइक की कीमत 60 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से दी जाती है तो इसीलिए इसे इजिली किसी भी इलाके में आप पा सकते हैं। मोस्टली राइडर्स इसे तेज वाहनों के आसपास चला रहे हैं जिससे इसकी दुर्घटना का खतरा भी बढ़ रहा है। कई जगहों पर ऐसी घटनाएं होते हुए भी बच गए हैं। हालांकि अभी कोई घटना सामने आई नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घटनाएं होते हुए भी बची नहीं है। कई बार राइडर्स भी बचे हैं और राइडर जिनसे टकराने वाले होते हैं वो भी कई बार बचे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।